लेकुम डयर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है साइकॉटिक डिसडर इसमें हम इस डिसऑर्डर के मुतल इसके सिम्टम्स इसके करेक्टर स्टेक्स इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज पाई जाती हैं वो सब का हम जायजा लेंगे विद एक्सप्लेशन एंड एग्ज़ाम्पल्स डियर स्टूडेंट्स बिफोर जम्पिंग टूवर्ड्स द कैटेगरीज इसकी जितनी भी कैटेगरीज या टाइप्स हैं उसकी तरफ हम जाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि बार बार यूज़ होंगी उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करना चाहूँगी दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कैटेगरीज़ अबाउट साइकोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर अगर आप लोग ये बात जहन नशीन कर लें कि साइकोटिक डिसऑर्डर दूसरे डिसऑर्डर से किस तरह डिफरेंट होते हैं तो उसमें यह है कि ये अपनी सिवियरिटी की वजह से डिफरेंट होते हैं लाइक like ये अपनी नेचर में बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाते हैं लाइक like अगर हम बात करें मूड स्विंग्स की तो वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे एक्सट्रीम नेचर के होंगे अगर हम बात करें इम्बेलेंस पर्सनैलिटी की तो वो पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस होगी बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी होगी यूजल या आम रूटीन में आम इंसानों से हट कर के और इसमें एक और बात गौर तलब है और यू शुड नो दैट कि इसमें मेडिकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन भी जो है वो रिकमेंड की जाती है ठीक अब हम आ जाते हैं इनकी टर्मिनोलॉजीज की तरफ से जो जो उन टर्म्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन इनकी कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इस्तेमाल होंगे सबसे पहले तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर की तमाम पर्सनैलिटीज़ जो हैं या जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर का विक्टम होगा उनकी पर्सनैलिटीज़ होंगी डिसऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी से क्या मुराद है कि लाइक उनका पर्सनालिटी का हर एलिमेंट हर हर अनसर जो है वो डिसऑर्गेनाइज़ होगा सोचने समझने का थिंकिंग पैटर्न वो आम इंसानों से मुख्तलिफ होगा उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ पे किसी भी चीज़ पे जब वो एक्शन करेंगे तो उसका एक्शन जो है या रिएक्शन जो है रद्द जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शदीद होगा लाइक वो सवियरटी की तरफ जाएंगे और इनकी पर्सनालिटी जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स का शिकार अफर होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग़ैर मुतवाजन होगी समाइम्स समाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको उनको सिर्फ़ देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि उनके रहने सहने से उनके बोल चाल के तरीके से इवन उनका बैठने के उठने के तरीके से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुछ आम इंसानों से इनका मुख्तलिफ अंदाज़ है मुख्तलफ़ रवैया है इसके बाद एक और टाइम आ जाती है डिलिजन साइकोटिक डिसऑर्डर में लोग जो हैं डिलीजनस का शिकार होते हैं डिल्यूजन क्या होता है डिल्यूजन ये होता है कि कोई भी एक अकीदा रख लेना कोई भी एक वहम या गुमान पाल लेना जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो लेकिन इसमें गौरतलब बात यह है कि इसमें क्यूमिलस सामने होता है मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक ग्लास है पानी से भरा हुआ लेकिन ग्लास मुझे नजर आ रहा है प्रेजेंटली वो मेरे सामने है नजर आ रहा है लेकिन इसके मतलब मेरा अकीदा क्या होगा कि शायद ये कॉन्टेमिनेटेड है किसी ने इसमें ज़हर मिलाया हुआ है इसी तरह से एक टीवी स्क्रीन है एलईडी है कंप्यूटर है मोबाइल है लेकिन वो चीज़ सामने देखने में नज़र आ रही है जो शख्स डिलजन से मुतासर होगा उसका क्या होगा एक फ़ॉल्स बिलीफ क्या वो पाल लेगा कि मे बी इससे कुछ इस किस्म की रेडिएशन उमिट हो रही हैं कोई इस किस्म की रेज आ रही हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं तो ये सिर्फ आ जाती है कैटेगरी डिलिजन में उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टर्म है जो बहुत ज़्यादा साइकोटिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो इसका शिकार होते हैं डैट इज़ हेलोसिनेशन हेलोसिनेशन क्या होता है हेलोसिनेशन में ये होता है कि आपको ज़ाहरी तौर पर जो आम दुनिया में लोग हैं इर्द गिर्द के अफराद हैं उन्हें वो आवाज़ नहीं सुनाई देती लेकिन जिस शख्स को हेलूसिनेशन का शिकार होगा जिस uh, के, uh, के like, जो शख्स को हेलोसिनेशन के तौर पे लाइक जो आवाज़ें आ रही होंगी उसको प्रॉपर महसूस हो रही होंगी और ज़्यादातर वो आवाज़ें कुछ ना कुछ कमांड ही कर रही होती हैं वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं कुछ हुक्म दे रही होती हैं कहने का कर रही होती हैं और अमूमी तौर पे वो नेगेटिव चीज़ ही होती है वो बार दफ़ा बार दफ़ा नहीं बल्कि अक्सर तौर पे वो कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती जिसके वो आवाज़ें जो हैं हुक्म दे रही होती हैं जो मुतासर शख़्स होता है इसमें फ़र्दर जो है आ जाती हैं साथ में जब सारी सेंसेस ही अफेक्ट हो जाती हैं इसमें सुनने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है इसमें टच करने की भी सलाहियत मुतासर हो सकती है लाइक like, अगर उस इंसान को जो मुतासर शख्स है, है साइकोटिक डिसऑर्डर से और हेलोसिनेशन का भी शिकार है उसको किसी ने टच नहीं किया होगा लेकिन वो बायदा ये कंप्लेंट करेगा कि मुझे टच किया गया है या वो वो चीज़ भी बता देगा कि किस चीज़ ने उसे टच किया है इसी तरह से जो है हमारी आ जाती हैं गर्मी सर्दी में जो फीलिंग्स हैं लाइक गर्मी में इंसान को जो है तलब होती है कि ठंडी चीज़ें हों हमारे गर्द का इन्वायरमेंट जो है ठंडा हो लेकिन वो शख्स चूँकि उसकी ये वाली हिस्स मुतासर हो जाती है तो उसको इस चीज़ से भी बहुत कम सरोकार होता है कि अगर गर्मियाँ हैं तो मुझे गर्मियों के लिहाज से ही लिबास पहनना है या मेरी बॉडी के लिए किस तरह का लिबास जो है वो मौजू है या इवन सर्दियाँ होंगी तो सर्दियों में भी चूँकि बॉडी जो है वो सही पैगाम नहीं पहुंचा रही माइंड में सही पैगाम नहीं जा रहा है प्रोसेस जो है थिंकिंग प्रोसेस है इट इज़ ऑल इफ़ेक्टेड ड्यू टू हेलोसिनेशन चूँकि हेलोसिनेशन से मुता शख्स की जो है तमाम की तमाम हिस्से वो मुतासर होती हैं इसमें क्या हो रहा है कि माइंड प्रोसेस जो है करना वो ठीक से नहीं कर रहा होता वो छोड़ देता है वो ब्रेन में सही मैसेज सही से बॉडी के लिए इंटरप्रेट भी नहीं हो रहा उसमें क्या होगा कि गर्मी सर्दी के मौसम में भी उस शख्स को इस चीज़ का ख्याल नहीं रहेगा कि कौन सा मेरे लिए, लिए लिबास जो है वो मौजू है इसके अलावा इसकी एक बहुत अहम करेक्टरिस्टिक और फीचर है साइकोटिक डिसऑर्डर का कि इसने जो है इंसान का रियलिटी के साथ कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है लाइक like अभी मेरी ये हकीकत है कि इस टाइम पे आई एम स्टैंडिंग हेयर और मैं आपसे मुखातिब हूँ उस शख़्स के लिए जो मुतासर शख्स होगा वो अगर इसी वक्त मेरे साथ होगा तो शायद उसके लिए ये हकीक़त होगी कि वो बाहर कहीं किसी ग्राउंड में किसी मैदान में खड़ा हुआ है लाइक like जिस तरह हमें कहा जाता है कि टाइम और स्पेस की क़ैद से आज़ाद हो जाना उनको वक्त का तयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए वो वक्त नहीं बता सकते अभी दिन के टाइम है हो सकता है वो उसको रात के टाइम पे ही बजे धों कहेंगे वो यही कहेंगे कि इस टाइम रात का वक्त है या रात के टाइम को वो दिन का टाइम कंसीडर करेंगे रियलिटी के साथ हकीकत की दुनिया के साथ जो एक कनेक्शन है वो फ़ौरी तौर पर उनका मनकता हो जाता है ना डियर स्टूडेंट्स आफ्टर दिस टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज़ हम जो है इसकी कैटेगरीज़ का जायज़ा लेंगे सबसे पहले आती है पैरानाइट शिजो फ्रेनिया पैरानाइट शिज़ो ये क्या होता है इसमें ये होता है कि इंसान को अपने बारे में बहुत ज़्यादा जो है खुशफहमी का शिकार हो जाता है एक्सट्रीम लेवल पे एक नॉर्मल रूटीन की हद से लाइक जिस तरह उसके अंदर डिल्यूजन भी आ जाएंगे उसके अंदर हेलुसिनेशन भी आ जाएंगे हेलुसिनेशन में जो आवाज़ें हैं वो उसको बताएंगी कि नहीं तुम बहुत अजीम इंसान हो सम टाइम्स ये इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं कि ये अपने आप को नवज़ुल्ल खुदा के करीब समझना शुरू कर देते हैं या समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर आ चुकी हैं हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुन्शल हैं हमारे हाथ में तमाम दुनिया का कंट्रोल है तमाम दुनिया के लोग हमारे हाथ में हैं तो ये इस कैटेगरी में ये आता है इसके अलावा इसके नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कैटाटॉनिकेज़ो फ्रेनियाँ कैटाटॉनिकेज़ो फ्रेनियाँ जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेयर है अपनी नेचर में और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट हो जाती है मेडिकेशन भी मस्ट हो जाती है अलॉन्ग विद साइकोथेरापी एंड काउंसलिंग इसमें यह होता है कि इंसान जो है वो कुछ घंटों से ले कर कुछ हफ्तों तक के अरसे के लिए अपने आप को कोई भी चीज़ समझ लेता है मिसाल के तौर पर अगर उसने अपने आप को दरख्त समझ लिया है तो वो दरख्त की तरह ही से ही पोस्चर करके कई कई घंटों उसी तरीके से उसी पोजिशन में खड़ा रहेगा या इस तरह भी हो सकता है कि वो अपने आप को कोई बर्तन तस्वूर कर ले वो इमेजिन करता है कि मैं शायद कोई बर्तन हूँ कोई चैनक हूँ कोई पॉट हूँ और वो तकरीबन घंटों पर मोहित हो सकती है वो पोजीशन वो उसी पोजीशन में रहेगा वो ना खाएगा ना पिएगा और सम समाइम ये हो जाता है कि इनके मसल्स जाम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि वो इसी स्टेट में रहते हैं इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहने की वजह से उनकी बॉडी उनके मसल उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होती है इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डिसऑर्गेनाइज्ड शज़ुफारिया की कैटेगरी डिसऑर्गेनाइज अगेन्टूडेंट बाई द नेम आपको अच्छे से आइडिया हो सकता है कि डिसऑर्गेनाइज में हमने जो पहले भी बात की थी कि इसमें डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग पैटर्न होगा डिसऑर्गेनाइज परसेप्शन होगी जो बाहर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं वो भी वो ठीक तरीके से रिसीव नहीं करेगा बॉडीली हैंड आई कोऑर्डिनेशन इवन बॉडी का जो मोटर मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होगी लाइक like एक हाथ से अगर एक काम हो रहा है तो हो सकता है दूसरा हाथ हवा में हो विच इज़ नॉट नेचुरल तो इस तरह की चीज़ होगी ये बहुत ज़्यादा स्पीच को भी असरअंदाज़ करेगी इनकोरेंट स्पीच होगी शायद वो ये भी बोले कि मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ मेरे मुंह से अल्फाज कुछ और निकल रहे हैं इस तरह की भी कंप्लेंट्स आती हैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है अनडिफ्रेंश शज़ानियाँ अनडिफरेंशियट स्टूडेंट्स बाय द नेम आपको आइडिया होगा कि इसमें जो है मिक्स और मेजर सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मली मिक्सड होते हैं इसमें जो है डिलीजनस भी होंगे हलूसिनेशन भी होंगे लोग वहम और अकीदे भी पाल लेंगे अलग से हलूसिनेशन भी होंगे वो कुछ वॉइस भी आ रही हैं जो ऑब्वियसली नेगेटिव ही तौर पर कमांड कर रही होंगी जो कुछ ना कुछ नेगेटिव बिहेवियर को ही स्ट्रेंथन uh, कर रही होंगी रीअनफोर्स कर रही होंगी और इसमें साथ साथ डिसऑर्गेनाइज पर्सनालिटी के फ़ीचर्स भी आ जाएंगे वो साथ साथ बोलने में भी पता चल जाएगा कि बोल चाल भी जो है बहुत ज़्यादा जो भी अनडिफ्रेंशेड uh, चीज़्रीनिया से मुता शख्स होगा उसकी वो मुतासर होंगी इसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर में कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं वो पर्सनलिटीज़ वो इंसान की शख्सियत जब गैर मुतवाजन होती जाती है तो वो इस नह पर पहुँच जाती है कि आस पास के लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए वो शख़्स नाकबिल बर्दाश्त हो जाता है लाइक वो हर तरह के बिहेवियर से इस तरह से वह तंग करना शुरू हो जाता है इनफेक्ट वह ख़ुद भी अपने आप से तंग होता है लेकिन वो इस तरह से दूसरों को भी तंग करना शुरू कर देता है कि आम रोज़मर्रा की रूटीन उनकी मुतासर हो जाती है वो कुछ सही तौर से किसी भी काम पर वो आ, अमल नहीं कर सकते कोई एक्टिविटी ठीक तरीके से अंजाम नहीं पा सकते इसके साथ साथ ये होगा कि अगर उनकी कोई प्रोफेशनल लाइफ है तो डेफ़िनेटली वो भी इफ़ेक्ट होगी अगर कोई उनका आ, स्कूल वगैरह में जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं तो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगा और इसमें यही होगी कि सारे लोगों की वही सेम कंप्लेंट जो हैं उस शख्स के बारे में आएंगी इसमें कुछ इस तरह से भी आ सकता है लाइक जिस तरह अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि रात के टाइम तीन या चार बजे उठ के घर की सफ़ाई करना शुरू कर देना घर को धोना शुरू कर देना कोई अगर खाना बना के दे तो इंतहाई शकी मिजाज होना उसके हाथ की रोटी ना खाना या किसी के शख्स के हाथ की भी रोटी ना खाना बहुत फूड में पिकी हो जाना बहुत सिलेक्टिव हो जाना अपनी चीज़ों को किसी को हाथ ना लगाने देना यह एक वहम या गुमान पाल लेना कि कुछ ना कुछ मेरी इन चीज़ों के साथ जो है कोई मैसेज आ रहा है या इन चीज़ों के साथ कोई अपना और किसी किस्म का अकीदा रख लेना तो ये सारी जो सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो भी लोग शिकार होंगे उनमें आएगी इसके बाद इसमें दूसरी टाइप्स आ जाती हैं मूड डिसऑर्डर की मूड डिसऑर्डर में जैसा कि अगेन स्टूडेंट्स बाय द नेम आपको पता चलता है मूड स्विंग्स रूटीन में लोगों में मूड uh, स्विंग्स का शिकार लोग होते हैं लेकिन मूड डिसऑर्डर में यह होगा कि लोग एक्सट्रीम मूड का शिकार होंगे लाइक एग्रेसिवनेस से वो अगेन अगेन एक्सट्रीम साइड पे जाएंगे मैनिक स्टेट में चले जाएंगे यूफोरिक स्टेट में जाएंगे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग उसमें फेज में चले जाएंगे और उस फेज़ में बहुत देर तक रहेंगे जो कि आम रूटीन में यूजल ही तौर पे नॉर्मल इंसान नहीं रहता तो वो मूड डिसऑर्डर में आ जाता है उसमें मैनिक पर्सनालिटीज़ होती हैं मैनिक पर्सनालिटी क्या होंगी जो तो बहुत ज़्यादा खुशी में लाइक बहुत ज़्यादा खुश हैं इतने एक्सट्रीम खुश हैं कि वो अपना शायद घर भी बेच आएँ किसी बात के लिए छोटी सी बात के लिए उनको कोई इससे ना हो बैंक अकाउंट अपना ये एक ही रात में ख़ाली कर सकते हैं अगर कोई भी बंदा इसका मैनिक डिसऑर्डर का शिकार होगा इसमें फर्दर आ जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर टू टाइप्स के होते हैं इसमें कैटेगरी वन है जो कि अभी लेटेस्ट जो एडिशन है डी एस एम फाइव का डायग्नोस्टिक स्टिस्टिकल मैनुअल उसमें जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें अब इसको दो कैटेगरी कर दी है बिफोर दैट वो एक ही था बाइपोलर डिसऑर्डर था अब इसमें टू है बाइपोलर वन एंड बाइपोलर टू अदरवाइज़ इसके सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फीचर्स जो हैं वो वही हैं सवियरटी के हिसाब से इसमें फ़र्क आया है लाइक like जो वन है वो अपनी नेचर में ज़्यादा स्वियर है ज़्यादा एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हैं और ज़्यादा देर तक चलते हैं लाइक like जिसे वो कहा जाता है फुल मैनिक एपिसोड है फुल एपिसोड शो करेगा फुल ब्लोन होगा किस तरह से कि वो चीज़ मुहित होगी वो जो एक डिप्रेशन डिप्रेशन वगैरह का फेज़ है वो घंटों से ले एक महीने से ले के बहुत ज़्यादा डेढ़ महीने तक भी वो एपिसोड जा सकती है या कुछ हफ्तों पे भी वो मुहित हो सकता है जबकि बायपोलर टू में ऐसा नहीं है मूड स्विंग्स उसमें भी होंगे पाए जाएंगे डिप्रेसिव एपिसोड उसमें भी होंगी लेकिन सवियरटी के हिसाब से वो कम होगा और टाइम टेन्योर जो है वो उसमें कम होगा ओके डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट साइकोटिक डिसऑर्डर आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मुफीद इंफॉर्मेशन इससे हासिल हुई होगी और टेक केयर अल्लाह हाफ़ thank